हिमाचल के पूर्व में 6 बार रहे मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के निधन से जहां समूचा प्रदेश गमगीन है, वहीं आज प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में वीरभद्र सिंह के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई, जिसके चलते ब्लॉक कांग्रेस नाचन और व्यापार मंडल चैल चौक ने भी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के समाचार आज हर क्षेत्र से प्राप्त हो रहे हैं। वहीं ब्लॉक कांग्रेस नाचन तथा व्यापार मंडल चैल चौक ने भी वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष नीलमणि ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन से पैदा हुए शून्यकाल की भरपाई कभी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश के विकास को लेकर दिए गए वीरभद्र सिंह के अमूल्य योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं लाल सिंह कौशल ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को विकास पुरुष की संज्ञा देते हुए कहा कि जहां हिमाचल को बनाने में वाईएस परमार का हाथ रहा है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल को सजाने का काम किया है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में आज एक ऐसी महान शख्सियत को हिमाचल प्रदेश के लोगों ने खो दिया है। आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी की भरवाई कभी भी हिमाचल प्रदेश में नहीं होगी। एक ऐसे व्यक्तित्व को हिमाचल प्रदेश के लोगों ने खो दिया है, जिनको विकास पुरुष के नाम से जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं भारतवर्ष में जाना जाता था। आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं, हम सभी आज कांग्रेस के लोग असहाय महसूस कर रहे हैं कि राजा साहब ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, हिमाचल प्रदेश के दिलों में बसे राजा वीरभद्र सिंह ने हिमाचल के लोगों के दिलों में राज किया है। आज हम बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि राजा साहब ने हिमाचल प्रदेश के बीच में विकास की गाथा लिखी है। हिमाचल को बनाने में अगर डॉक्टर वाईएस परमार जी का योगदान रहा है, तो हिमाचल को सजाने में आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम उस परिवार को के साथ इस दुख की घड़ी में सारे हिमाचल प्रदेश के लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस परिवार को इस गम को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। सिटी चैनल के लिए गौहर मंडी से हरीश चौहान की रिपोर्ट।